नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। डेली राजस्थान का ये खास कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। यहाँ जसवंतगढ़ के समीप राज होटल के हॉल में कांग्रेस के गोगुंदा विधानसभा चुनाव प्रभारी अविनाश झा कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे। वे पार्टी के विधायक प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए तैयारियों पर चर्चा करने आए थे। हालांकि गोगुंदा सीट पर पार्टी ने अभी तक टिकट नहीं दिया है। यहाँ बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत शुरू होती उससे पहले पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अब तक डॉक्टर मंगीलाल गराशा का नाम सूची में न आने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इस्तीफों की पेशकश कर दी। पीसीसी महासचिव लाल सिंह जाला ने कहा कि डॉक्टर मंगीलाल गराशा विगत 10 सालों से क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। पार्टी की तीसरी सूची में भी उनका नाम न आने से कार्यकर्ताओं में रोष है। गोगुंदा की जनता ये है कि एक भी आदमी विधानसभा का बाहर का नहीं है। जितने लोग बैठे हैं ये सब गोगुंदा विधानसभा के, एक आदमी हाथ खड़ा करता है मैं बाहर विधानसभा को बता दो, एक आदमी नहीं है। गोगुंदा विधानसभा के ये ताकत है, ये फैसला है, ये निर्णय है। इन्होंने जाकर निर्णय कर दिया, निर्णय हो गया, इन्होंने उल्टा कर दिया, फैसला खत्म हो गया। ये आपका निर्णय, ये आपके सामने जनता, ये सब कह रहे हैं, बुजुर्ग भी है, नौजवान भी है, सब तरह के लोग हैं, ये आपके सामने बैठे हैं, ये आपका फैसला। आप पार्टी के ऊपर आप बताइए, एक नेता के कहने से आप मत कीजिए, अन्याय मत कीजिए, न्याय कीजिए, पार्टी के साथ न्याय कीजिए। हम कहते हैं आपको पार्टी न्याय करना चाहती है, आप न्याय कीजिए, अन्याय मत कीजिए। अन्याय करोगे तो फिर तो लाल सिंह जला भी कुछ नहीं कर सकेगा। मुझे भी लोग घर पे, ये जनता मुझे घर पे बिठा देगी कि जाइए आप ही। जला साहब आप हम कह रहे हैं, आपका हमने सम्मान दिया, इज्जत दी है, अगर मांगी ला अन्याय हुआ फिर आपके साथ भी होंगी। ये मुझे मेरे 20 जने मेरे घर पे आकर मुझे कह कर गए कि अगर अन्याय हुआ मांगी ला के साथ तो अन्याय थे, फिर आप ही देख रहे हो। इसका मतलब हम कमजोर हो जाए। हम पार्टी के लिए ताकत दें, रात दिन मेहनत करें, पार्टी को कमजोर नहीं होने दें। जिसके साथ सौतेला व्यवहार होता है ये ठीक है। हम तो खाली यही कहते हैं आप न्याय कीजिए, सत्य को सत्य कीजिए, झूठ को झूठ कीजिए, अन्याय मत होना चाहिए, नियम से आप काम कीजिए, अच्छे लोगों को टिकट दो, जीतने वाली सीट है, जीतेंगे, भरोसा विश्वास, ये जनता आपकी भरोसा विश्वास लिए बैठी है, ये अगर न्याय करेगी, यही फैसले हैं, यही न्याय है। ज्यादा हो कम हो इनके हाथ में, ये ज्यादा भी 100 आदमी लगता है, भीड़ भीड़ करते हैं, भीड़ से कोई मतलब नहीं। मेन आदमी चुनाव लड़ता है, मेन आदमी फैसला करता है, मेन आदमी काम करता है, ऐसे हम न्याय करें। कांग्रेस पार्टी हमने भी काम किया है, आज 35-40 साल हो गए, रात दिन मेहनत की है, आज मेहनत के ऊपर पानी फैलना चाहते हैं। देखो आपको पता है एक सीट से कितना असर पड़ेगा, पास वाली सीटें आपकी कितना आपको पता ही नहीं है। हम जानते हैं कितना असर पड़ेगा, कितना इसका नुकसान होगा, आपको पता नहीं है। हम तो अंदर जानते हैं एक आदमी की वजह से कितना माहौल खराब होगा। निवेदन करना चाहता हूँ, आप हमारी भावना पूछिए, सत्य को सत्य कीजिए, झूठ को झूठ, आपसे बता रहे धन्यवाद जय। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रभारी को साफ साफ कहा कि अगर डॉक्टर मंगीलाल गराशिया को टिकट नहीं दिया तो वे डॉक्टर गराशिया को निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे। झा साहब को अवगत कराना चाहता हूँ, अविनाश जी को और भूपेंद्र जी को, कि हमारे यहाँ से गोगुंदा से जितनी भी मीटिंग हुई है सब में एक ही नाम फाइनल हुआ है, वो डॉक्टर मंगीलाल जी गराशिया। डॉक्टर मंगीलाल जी गराशिया इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, इनकी भावना सिर्फ मंगीलाल जी गराशिया के प्रति है और मंगीलाल जी गराशिया ही इस क्षेत्र से चुनाव जीतेंगे। हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि सभी हमारे इन कार्यकर्ताओं की तरफ से जल्दी मंगीलाल जी गराशिया का टिकट फाइनल करके हमारे को इस मैदान में उतरने का मौका देते हैं। यदि गराशिया जी को टिकट मिलेगा काम करेंगे, तन मन धन से काम करेंगे, हमें पैसों की जरूरत नहीं है सर, हम तन मन धन से काम करेंगे, गराशिया जी को जिता के विधानसभा में भेजेंगे। जी को टिकट भी मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे सर। यदि मंगीलाल गराशिया को टिकट मिल जाता है तो हम आप हम आज हमारे से लिखवा दे 10-12 हजार की तो सभी जो कार्यकर्ता जो ये तमाम जो कार्यकर्ता बैठे हैं, तमाम संगठन के जो पदाधिकारी बैठे हैं, सबकी एक सवर में एक राह है कि मांगीलाल गराशिया को टिकट मिले। और ये मांगीलाल गराशिया दिन रात काम आते हैं, नेक आदमी है, ईमानदारी आदमी है। मांगीलाल गराशिया आज कोई भी व्यक्ति मांगीलाल जी के ऊपर कोई मानसिक नहीं लगा सकता, ऐसा व्यक्ति है। मंगीलाल जी के साथ है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ यदि सब कार्यकर्ता जो बैठे हो, यदि मंगीलाल जी का टिकट फाइनल करने के लिए आप सब साथ में हो तो एक बार हाथ खड़ा करके अभिवादन कर दीजिए। चुनाव प्रभारी अविनाश झा ने लोगों से कहा कि वे तो चुनाव की तैयारियां बेहतर करने के लिए बात करने आए हैं, टिकट का वितरण का कार्य तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मिलकर करती है। ये सुनते ही लोगों में रोष व्याप्त हो गया।
और लोग बैठक से खड़े हो गए। उन्होंने डॉक्टर कराशिया को टिकट दिलवाने की मांग करते हुए, नारेबाजी करते हुए चुनाव प्रभारी झा को पत्र सौंपे। विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक ए के अध्यक्ष राम सिंह चदाना, ओबीसी प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष बेरूलाल सुतार, देहात जिला उपाध्यक्ष नारायण पालीवाल, देहात जिला महामंत्री प्रहलाद सिंह जाला, सेवा दल के ब्लॉक अध्यक्ष योगेश पालीवाल और इनके सहित 11 मंडल अध्यक्षों ने गोविंद सिंह डोटासरा के नाम पर चुनाव प्रभारी को पत्र सौंपते हुए कहा कि डॉक्टर मांगीलाल गराचिया को टिकट दिया जाए, अगर टिकट नहीं दिया जाता है तो उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए जाए। इस दौरान फुटबॉल संघ के जिलाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह जाला, हरि सिंह जाला, गुलाब सिंह राव, सायरा प्रधान सवाराम गमेती, उप प्रधान भारत सिंह, लैम्स अध्यक्ष चैन सिंह चदाना, बरकत अली, नागेंद्र सिंह, भुवनेश व्यास, गोगुंदा के पूर्व सरपंच करण सिंह जाला, उप सरपंच लाल कृष्ण सोनी, जिला परिषद सदस्य कामिनी गुजर, निकाराम गरासिया, चंपाराम गरासिया, मंगाराम गरासिया, केसुलाल खेर, अमराराम गमेती, ओम प्रकाश जोशी व योगेश पालीवाल सहित सैकड़ों कांग्रेस जन मौजूद रहे। आपको बता दें कि डॉक्टर मांगीलाल गरासिया गोगुंदा सीट पर मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। वही यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बालू बील भी दावेदारी कर रहे हैं, पर यक्ष प्रश्न तो यह है जो कांग्रेस के पाटिया मंडल अध्यक्ष किशन सिंह पूछ रहे हैं। सुनिए किशन सिंह राजपूत क्या कह रहे हैं। हम तो ये पूछना चाहते हैं सर, हर नेता को भी, कि जो हमारे जमीन स्थल के जो नेता हैं, जितने जमीन स्थल के जो रहने वाले लोग हैं, वे सारे कह रहे हैं मांगीलाल जी को टिकट दे दो। और ऐसा कौन आदमी है जो कौन नेता कह रहा है, उस आदमी को हम जानते नहीं जिसको टिकट दे रहे, कैसे जीतेगा यहाँ से? हम जानते नहीं कोई आदमी कौन आदमी वो टिकट लेने वाले, वो कैसे जीतेगा यहाँ से? हमारे बिल्कुल पते वाली बात है कि ऐसी दो बार मीटिंग हुई, तब मैं भी बाहर बैठा रहा था और आप जब लोग पर्यवेक्षक से मिल के बाहर आए तो मैंने आपसे पूछा था कि आप किनका नाम लेके आए। आपने जिनका भी नाम लिया, लेकिन जिनका नाम लिया उनका नाम तो आया नहीं लिस्ट में। नहीं आने की बात यही पूछ रहे हैं हम कि ऐसा नेता कौन है। तो आप किससे पूछ रहे हैं? उस नेता से पूछ रहे हैं जो नेता टिकट दे रहा है, जिसे ऐसा नेता कौन है जो उस आदमी को अंदर जमीन में नेता की पहचान हुई कि नहीं, कौन है वो, कौन नेता देने वाला, अभी लग जाएगा उसकी पहचान। अच्छा, वो नेता अभी ऐसा भाई वो उसको टिकट दे रहा है और वो जिता रहा है, जिता के भेज उसको, और इतने हम तो सब मांगीलाल जी को जिता रहे। इनका सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, और आखिर कौन नेता है जो मजबूत दावेदार डॉक्टर मांगीलाल गराशिया की टिकट में अड़ंगा लगा रहा है। अब डेली राजस्थान की कोशिश ये रहेगी कि जो सवाल किशन सिंह राजपूत पूछ रहे हैं उस सवाल का जवाब ढूंढा जाए। अगर आपके पास है इस सवाल का जवाब तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।